Good morning, students. Class 4, English 1, Chapter 10, The Magic Ring. The Magic Ring means जादू की अंगूठी. बच्चों, आप लोगों ने छोटे क्लासों में द मैजिक रिंग अर्थात जादू की अंगूठी के बारे में सुने और पढ़े होंगे. एक आदमी जो पाटलिपुत्र में रहता था, उनके तीन बेटे थे. वे लोगों के प्रति बहुत ही दयालु और उदार थे. उस आदमी के पास एक जादू की अंगूठी थी जो हमेशा उसको गलत करने से रोकती थी. सडनली द मैन गॉट सिक. अचानक वह आदमी बीमार पड़ा. एंड ही वांटेड टू गिव द मैजिक रिंग टू हिज बेस्ट सन. वह उस मैजिक अंगूठी को उसके सबसे अच्छे बेटे को देने चाहा. लेकिन तीनों बेटे अपने पिता के प्रिय पुत्र थे, इसलिए वह आदमी एक सुनार को दो नकली अंगूठी बनाने का आदेश दिया और मरने के पहले वह असली अंगूठी को अपने बड़े बेटे को सौंप देता है. बाद में वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया. अभी उनके तीनों बेटे आपस में झगड़ते हैं और घर का मुखिया बनना चाहते थे. लेकिन बड़े भाई के सलाह अनुसार वे राजा के पास चले गए. बच्चों, आगे हम इस टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे कि राजा ही उन्हें अंतिम न्याय देते हैं. इस प्रकार तीनों भाई अपने अच्छे कामों द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं. चैप्टर 10, द मैजिक रिंग. देयर लिव्ड ए मैन इन पाटलिपुत्र. ही वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस टू द पुअर. पाटलिपुत्र में एक आदमी रहता था. वह गरीबों के प्रति बहुत दयालु और उदार था. एवरीबडी लव्ड हिम. सब लोग उसे प्यार करते थे. दिस मैन हैड ए मैजिक रिंग दैट ही ऑलवेज वोर ऑन हिज लिटिल फिंगर. दिस रिंग नेवर अलाउड हिम टू डू रॉन्ग. इस आदमी के पास जादू की अंगूठी थी जो हमेशा उस अंगूठी को अपने छोटे अंगोले में पहनता था. इस अंगूठी ने उन्हें कभी गलत करने का अनुमति नहीं दी. ही गॉट दिस रिंग फ्रॉम हिज फादर. ही वॉन्टेड टू गिव इट टू हिज बेस्ट लव्ड सन एंड देयर बाय मेक हिम द हेड ऑफ द फैमिली. उन्हें यह अंगूठी अपने पिता से मिली थी. वह इसे अपने सबसे अच्छे बेटे को देना चाहता था और वहाँ उसे परिवार का मुखिया बनाना चाहता था. नाउ दिस मैन हैड थ्री सन्स, अमर, समर एंड खनवार. अभी इस आदमी के तीन बेटे थे, अमर, समर और खनवार. ऑल वेर सो गुड दैट ही कुड नॉट फाइंड आउट विच सन वॉज द बेस्ट. सभी इतने अच्छे थे कि उनको यह भी पता नहीं लगा कि कौन सा बेटा सबसे अच्छा था. सो ही आस्क्ड द गोल्डस्मिथ टू मेक टू मोर रिंग्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम टाइप. ही केप्ट ऑल दिस रिंग्स केयरफुली. इसलिए उन्होंने सोनार से कहा कि वह ठीक उसी प्रकार असली नकली की तरह और दो अंगूठी उस सोनार को बनाने के लिए कहा. उसने इस सभी अंगूठियों को बहुत सावधानीपूर्वक रखा. वन डे द मैन फेल सिक.
He thought he was going to die, so he called Amar and said to him, I am going to die. Here is the ancestral ring. Ancestral ring means Purvajunga Anguta. This will make you prosperous. Prosperous means Samriddhi Yasampan. Keep it a secret from your brothers. Amar was pleased and went away thanking his father. एक दिन वह आदमी बीमार पड़ा. वह सोचा कि वह मरने वाला है, इसलिए वह अमर को बुलाकर उससे कहा कि मैं मरने पर हूँ, यहाँ पूर्वजों का अंगूठा है, यह आपको समृद्धि अर्थात संपन्न बना देगा. तुम अपने भाइयों से इस रहस्य को गुप्त में रखना. अमर प्रसन्न हुआ और अपने पिता को धन्यवाद देकर चला गया. He did the same to the second and the third son. Each got a ring and they believed that their ring to be the magic one. वह अपने दूसरे और तीसरे बेटों के साथ भी वैसे ही किया. प्रत्येक को एक एक अंगूठी मिली. उन्होंने यह विश्वास किया कि उनकी अंगूठी एक जादू की है. आफ्टर द ओल्ड मैन डाइड, अमर सेड टू हिज ब्रदर्स, लुक हियर, नाउ आई एम द हेड ऑफ द फैमिली बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिंग. बूढ़ा आदमी के मरने के बाद अमर ने अपने भाइयों से कहा, यहाँ देखो, अब मैं इस अंगूठे के आधार पर परिवार का मुख्य हूँ. समर एंड खनमार पजल्ड, द सन्स डिड नॉट नो दैट देयर फादर हैड गिवन ईच वन ए रिंग. They looked at each other's ring, but they could not find out which was the magic ring. Each one said that his ring was the magic ring. Samar aur Khanwar hairan rah gaye. Puzzled means hairan. बेटों को नहीं पता था कि उनके पिता ने हरेक को अंगूठी दी है. उन्होंने एक दूसरे के अंगूठी को देखा, लेकिन वे यह नहीं पता लगा सके कि जादू की अंगूठी कौन सी थी. हरेक ने कहा कि उसकी अंगूठी जादू की अंगूठी थी. At last, Amar said, This can lead to a fight. Let us therefore go to our wise king, whose verdict should be taken as final. The others agreed. Verdict means न्याय. आखिर में अमर ने कहा, इससे लड़ाई हो सकती है, इसलिए हमें अपने बुद्धिमान राजा के पास जाना चाहिए, जिनके फैसले को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जिनके फैसले को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. फिर सभी कोई उनसे सहमत हुए. द नेक्स्ट डे दे वेंट टू द किंग ऑफ पाटलिपुत्र. अमर स्टूड बिफोर द किंग एंड सेड, Your Majesty, we are three brothers. I am the eldest. अगले दिन वे पाटलिपुत्र के राजा के पास गए. अमर ने राजा के सामने खड़ा होकर कहा, महामहिम, हम तीन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ. On the eve of my father's death, he gave me his magic ring to make me the beloved
of the people and the head of the family. मेरे पिता की मृत्यु की पूर्व संध्या पर उन्होंने मुझे लोगों के प्रिय और परिवार के मुख्य बनाने के लिए वह अपनी जादू की अंगूठी मुझे दे दी है. Now, my younger brothers also say that they too got the magic ring. We shall be very grateful to your majesty if you tell us which one of these is the real magic ring. अभी मेरे छोटे भाई भी बोलते हैं कि उनको भी जादू की अंगूठी मिली. हम महामहिम के प्रति बहुत आभार व्यक्त करेंगे यदि आप हमें बताएंगे कि इनमें से कौन सी असली जादू की अंगूठी है.